हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। देर रात गोरखपुर स्टेशन से लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस अपने तय समय पर रवाना हुई। ट्रेन को गोरखपुर कैंट स्टेशन पर देवरिया से आ रही मालगाड़ी को पास देने के लिए रोका गया। मालगाड़ी के ठीक पीछे कृषक एक्सप्रेस भी महुआ डी से लखनऊ आ रही थी। इसी दौरान लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रैक बदलने के लिए दाहिने से बाहिने ट्रैक की तरफ निकली। उसका इंजन और जनरल बोगी के 3 डिब्बे दूसरे ट्रैक पर आ चुके थे। इसी दौरान उसी ट्रैक पर पीछे से आ रही कृषक एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़ी लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस टक्कर में लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए।